अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मेरे मीठे मीठे सब्सक्राइबर्स के लिए बहुत मीठी बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनने वाली है। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए गुलाब जामुन की रेसिपी। मेरे सब्सक्राइबर भी तो गुलाब जामुन जैसे मीठे मीठे हैं, बहुत प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत ज़बरदस्त मेरी यूट्यूब फैमिली है, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं करते तो आज मैं यहाँ तक ना पहुँचती। तो चलो जी, वीडियो पर नए तो वीडियो को कर दो जल्दी से लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, तो कर दिए सब्सक्राइब, तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ले लेना है आपने खाली बाउल। जी हाँ, बाउल ले लेना है। उसके अंदर आपने ले लेना है हाफ कटोरी के करीब मिल्क पाउडर। आपके पास किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर रखा हुआ है आप वो ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फुल फैट मिल्क पाउडर हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। आप घर में मिल्क पाउडर कभी ना कभी तो यूज़ करते होंगे, आपको पता होगा कि कौन सा फुल फैट है, तो आप वो ले लीजिए। एक अदद इसके अंदर ले लीजिए अंडा। जी हाँ, एक अदद अंडा इसके अंदर जाएगा। अंडा आपने रूम टेम्परेचर पर रखना है, फिर इसके बाद आपने इसके अंदर ऐड करना है। मिल्क पाउडर डालने के बाद हमें ले लेना है बिल्कुल चुटकी बराबर बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर ले लेना है। इसके बाद हमें डाल देना है देसी घी। 3 चम्मच देसी घी के हमें ऐड कर देने हैं। देसी घी नहीं है तो आप घर का कोई भी घी ऐड कर सकते हैं, कोशिश कीजिएगा देसी घी हो तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। 3 चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ले लिया है देसी घी। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, वो ऑप्शनल है। जी हाँ, काफ़ी लोगों को अंडे की स्मेल नहीं पसंद होती है, तो वो उसकी अंडे की स्मेल हटाने के लिए वनीला एसेंस डाल देते हैं या फिर इलायची पाउडर डाल देते हैं। मैं दोनों चीज़ें नहीं डालूंगी क्योंकि अंडे की बिल्कुल भी इसके अंदर स्मेल नहीं आती है। बहुत ज़बरदस्त ये गुलाब जामुन बनकर तैयार हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पर जो हमने अंडा रखा था उसे हमें इसके अंदर ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। मैंने ले लिया है एक अदद कांटा। कांटे की मदद से मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो आप हाथ की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। इसे इतना मिक्स करना है कि सारा मिल्क पाउडर इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। आप ये देख सकते हैं मैं किस तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपने भी इसको इसी तरह से मिक्स करना है। अगर आप हाथ से इसे मिक्स करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ये बिल्कुल नरम सा बनेगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाए तो इसके अंदर हाफ कटोरी के करीब आप ऐड कर लें मैदा। जी हाँ, हाफ कटोरी हम इसके अंदर मैदा ऐड कर देंगे। मैदा ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करेंगे कि इसे हमें ज़्यादा गूंदना नहीं है, हल्के हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल दबना नहीं चाहिए, बस इसे इस तरह से स्मूथली हाथों से आपने इसे मिक्स करते जाना है। ये थोड़ा सा इस तरह से स्टिकी बनेगा, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है क्योंकि ये इस तरह से स्टिकी ही बनेगा। थोड़ी देर के लिए हम इसे सेट करने के लिए रख देंगे, तब तक हम इसका शीरा तैयार करते हैं। जी हाँ, जो चाशनी कही जाती है हम उसकी चाशनी रेडी करते हैं। 2 गिलास के करीब हम ले लेंगे पानी और हम फ्राइंग पैन के अंदर डाल देंगे पानी। पानी को इस तरह से हम अच्छे से उबालने के लिए रख देंगे। इसके अंदर 1.5 कप के करीब मैंने ले ली है चीनी। चीनी के अंदर हमें कोई एक तार दो तार नहीं बनाने हैं, हमें सिर्फ चीनी को अंदर मेल्ट करना है और पानी को समझ लेंगे मीठा करना है। जी हाँ, इसका हमें शीरा तैयार करना है, इसकी हमें चाशनी बनानी है। चमचे को इस तरह से चलाते रहना है ताकि हमारी चीनी नीचे लग ना जाए। अगर आपकी चीनी बड़ी है तो आप कोशिश कीजिए कि चमचे को चलाते रहें, क्योंकि जो बड़ी चीनी होती है वो नीचे लगने का ज़्यादा खतरा होता है। मैं भी इस तरह से चमचे चला रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि पानी के अंदर उबाल आ चुका है, लेकिन चीनी अभी भी मेल्ट नहीं हुई है। चीनी को हमें साइडों से भी हटाते रहना है ताकि वो साइडों पर ना लग जाए। एक तरफ हमने शीरा तैयार करने के लिए रख दिया, एक तरफ हमने ले लिया है पैन और उसके अंदर हमने डाल दिया है तेल। तेल को हमने इतना गर्म करना है कि आप देख सकते हैं मैं अपने फिंगर अंदर अच्छे से डिप कर सकती हूँ। जितना आप उंगली पर बर्दाश्त कर सके इतना ही आपने गर्म करना है। बहुत ज़्यादा गर्म तेल में इसको नहीं डालना है, वरना ये बिल्कुल जल जाएंगे। आप देख सकते हैं थोड़ी देर के अंदर डो किस तरह से रेडी हो गई है। मैंने अपने हाथ पर लगा लिया है ऑयल और हम अब इसके छोटे छोटे सी गोलियां बना लेंगे। जी हाँ, गुलाब जामुन बनने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। कितनी ज़बरदस्त डो बनकर तैयार हो गई है। और अपने हाथों को इस तरह से ऑयल से ग्रीस कर लीजिए और जल्दी जल्दी से इस तरह से छोटे छोटे से पेड़े बना लीजिए।
बनाते जाइए और आप इसे साइड पर रखते जाइए। इस तरह से बिल्कुल गोल बनाकर आप रख दीजिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। मैंने सारी बॉल्स बना ली हैं। अब हमने जो तेल हल्का गर्म किया था, हम उसके अंदर ये सारी बॉल्स डाल लेंगे। तेल हमने इतना गर्म रखना है कि हमारी फिंगर इसे टच कर सके, क्योंकि बिल्कुल गर्म तेल रखेंगे तो हमारे सारे गुलाब जामुन जल जाएंगे। मैंने सारे गुलाब जामुन इसके अंदर डाल दिए हैं। ये बिल्कुल नीचे बैठ गए हैं। जैसे ही ये थोड़ी थोड़ी पकना शुरू होंगी, ये ऊपर फ्लोट करने लगेंगी। जी हाँ, ये ऊपर अच्छे से तैरने लग जाएंगी। आप समझ जाइएगा कि ये आपके गुलाब जामुन बनने के लिए तैयार हैं। मैंने फिर से अपने फ्लेम को ऑन कर लिया था और इस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह से इसके अंदर उबाल आना शुरू हो गया है और हमारे गुलाब जामुन किस तरह से फ्लोट कर रहे हैं ऊपर, मतलब कि बनकर तैयार हो गए हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर झटपट ये रेडी हो जाते हैं। अब हमने जो शीरा तैयार किया था, हम उसके अंदर ये सारे गुलाब जामुन डाल लेंगे और इसे बिल्कुल चाशनी वाले कर देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे ज़बरदस्त यमी से गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं और बहुत मज़े के ये फूल कर तैयार हो गए हैं। हमने इसके अंदर जो बेकिंग पाउडर डाला था, उससे ये हमारे गुलाब जामुन को बिल्कुल सॉफ्ट और फुला देगा। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त गुलाब जामुन बनकर रेडी हो गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से स्पंजी स्पंजी बनकर रेडी हो गए हैं और ये शीरा इसके अंदर आ चुका है। बहुत ज़बरदस्त बने हैं। आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए, सबको दीजिए। घर में कोई भी इवेंट हो, खुद से गुलाब जामुन बनाइए और सबको खुश कर दीजिए। एक ही बारी में ये बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया। कि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।